हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिसेंटली गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो एशियाटिक लायन की जो सेंसस जो है उसको यहाँ पे कंडक्ट किया था, तो यहाँ पे एक रिपोर्ट पेश किया है कि एशियाटिक लायन जो है इसकी पॉपुलेशन लगभग 29% तक इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे देखिए कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एक छोटा सा इंसेक्ट से लेके एक बड़ा सा जो एलिफेंट है इसकी यहाँ पे एग्जिस्टेंस जो बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पे एशियाटिक लायन जो है इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होने का इसका जो यहाँ पे न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन से कंजर्वेशन एफर्ट इसमें जो अप्लाई किए गए थे, इसमें अलग अलग जो मेथोडोलॉजी है जो सेंसस से रिलेटेड इसके, तो बहुत कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने रिसेंटली अपना वेबसाइट लॉन्च किया है, तो यहाँ पे मार्च और अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन के अलावा रिसेंटली हम लोगों ने मई महीने का करंट अफेयर्स भी अपलोड किया है। उसके पीडीएफ जो है आप लोग बहुत ही कम प्राइस में डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे उसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और इस वीडियो के जो भी नोट्स है आपको आज शाम तक हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, दोनों ही लिंक के डिस्क्रिप्शन मैंने दोनों ही लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सॉरी। तो रिसेंटली गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो सेंसस किया था तो उसमें मेंशन किया है कि एशियाटिक लायन जो है गुजरात के जो गिर फॉरेस्ट रीजन में यहाँ पे इंक्रीज हुई है। तो 2020 में जो इसका नंबर जो था 674 जो रिकॉर्ड किया गया है ये इंक्रीज हुई है 2015 में जो 523 थी। तो जो लगभग 29% की यहाँ पे इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे जो मेन दो टाइप के यहाँ पे सेंसस होती है, एक तो यहाँ पे 5 साल में जो होती है और हर महीने जो किया जाता है, तो हर महीने के जो फुल मून नाइट को किया जाता है तो उसको इसलिए पूनम अवलोकन बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे ये मंथली एक्सरसाइज जो होती है ये मैकेनिज्म एक्चुअली डेवलप किया गया था जो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 2014 में। तो थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया लगा लेते हैं कि ये रहा गुजरात का मैप। को नीचे यहाँ पे जो ये एरिया देख सकते हैं आप जो गिर नेशनल फॉरेस्ट का जो यहाँ पे रीजन है जो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल एनालिसिस में अगर देखेंगे यहाँ पे पॉपुलेशन जो राइज हुई है लगभग 29% बढ़ी है 2015 के मुकाबले। और 2001 से अगर देखा जाए, 2001 के बाद जो अब तक अगर देखा जाए जो लायन की जो पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन लगभग डबल हुई है। और यहाँ पे लायन की जो यहाँ पे जो गुजरात गिर एरिया में जो लायन की जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है वो भी इंक्रीज हुई है। तो 2015 में लगभग 22,000 स्क्वायर किलोमीटर हुआ करती थी, ये बढ़ के अभी 30,000 स्क्वायर किलोमीटर तक बढ़ चुकी है। और यहाँ पे देखें कि 2010 में भी ये 411 था और 2015 में ये 523 हुआ और 2020 में कितना हुआ यहाँ पे बढ़ के 674। तो यहाँ पे एक चीज अगर देखा जाए जो 2015 के बाद जब पिछला सेंसस हुआ था, इस सेंसस पहले तो लगभग 12 जो लायन जो है फ्लड में अमरेली में जो हुई थी वहां पे फ्लड के कारण भी मारे गए थे। और यहाँ पे 2015 में भी लगभग 2 डजन से ज्यादा जो लायन है एक जो बीमारी थी कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस और जो बेबेसियोसिस, इसके वजह से भी 2018 में बहुत सारे लायंस मारे गए थे। तो उसका इफेक्ट भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और अगर बात करेंगे यहाँ पे जो भी मेथोडोलॉजी, तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि 1965 से गुजरात के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर 5 साल में लायंस की यहाँ पे सेंसस करती हुई आ रही है। तो यहाँ पे ये जो सेंसस करती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, 2 दिन तक होता है हर 5 सालों में जो किया जाता है, एक होता है प्रिलिमिनरी सेंसस, दूसरा फाइनल सेंसस। और पूनम अवलोकन जो होता है ये हर महीने के जो फुल मून नाइट को किया जाता है, बेसिकली ये 24 आवर्स तक चलती है। तो मेनली यहाँ पे जो फॉरेस्ट स्टाफ जो होती है यही एक्सरसाइज उन लोग करते हैं। तो एक जो यहाँ पे एरिया होती है ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया जाता है, तो यहाँ पे लायंस की जो यहाँ पे
अलग अलग जगहों पे पार्टिसिपेशन को इसको मेंटेन करके उससे जो है ब्लॉक काउंटिंग मेथड के जरिए यहाँ पे इसको किया जाता है, ताकि जो नंबर से ये एक्यूरेसी उसकी मेजरमेंट मेंटेन किया जा सके। और इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि गिर नेशनल पार्क के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, जो ऑलरेडी हम लोगों ने मैप में डिस्कस किया, तो गिर नेशनल पार्क जो है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यहाँ पे गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो यहाँ पे ये जो है नेचुरल हैबिटेट है, सिर्फ एक ही नेचुरल हैबिटेट है फॉर एशियाटिक लायंस के लिए। तो यहाँ पे 1965 में इसको जो है सेंचुरी का दर्जा प्राप्त हुआ था, और 1975 के इसको जो है राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क का दर्जा हासिल हुआ था। और यहाँ पे एक कम्युनिटी भी रहती है, उस कम्युनिटी को बोला जाता है मलधारीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। तो मलधारीज जो है यहाँ पे एक रिलीजियस पेस्टोरल कम्युनिटी है जो गिर के यहाँ पे एरिया में रहता है, और उनकी सेटलमेंट को बोला जाता है नेसेस। तो यहाँ पे देखें कि लोग, आप लोगों ने अक्सर मूवीज में या कहीं पे भी बहुत जगहों पे देखा हो, बहुत ही फेमस कम्युनिटी है यहाँ पे मलधारी की जो कम्युनिटी है। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम लोग अलग अलग जो कंजर्वेशन एफर्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि लायंस की जो यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली कंजर्वेशन एफर्ट को भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। कुछ दिन पहले टाइगर सेंसस भी जो हुआ था उसमें भी टाइगर्स की पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज हुई थी। तो यहाँ पे अगर लायंस के बारे में बात करेंगे, तो एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जिसको लॉन्च किया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, तो यहाँ पे 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए ये प्रोजेक्ट जो है सैंक्शन किया था, स्टार्ट हुआ था 2018 से लेके 2021 तक। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में अलग अलग साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रोसेस इसमें इंड्यूस किए जाते हैं, और इसके साथ यहाँ पे मल्टी सेक्टोरल एजेंसीज जो है, ताकि यहाँ पे लायंस की जो भी डिजीज हम लोगों ने बात किया था, जो कैनान डिस्टेंपर वायरस हो, बेबीसीओसिस हो, उसको कंट्रोल किया जा सके। लायंस की वेटरनरी केयर, यहाँ पे इंजुरी हो जाए या कुछ भी उनको बीमारी हो जाए, उसकी ओवरऑल प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे जो इंड्यूस किए जाते हैं। और इसके अलावा भी यहाँ पे जो लायंस के पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, उन लोगों को हेल्दी ग्रोथ, उन लोगों को एक अच्छा हैबिटेट देना, यहाँ पे कुछ भी फ्लड या ऐसे नेचुरल कैलामिटीज ना हो यहाँ पे, उसके लिए भी यहाँ पे काफ़ी एफर्ट जो है यहाँ पे लगाए गए थे। तो ये एफर्ट जो है, चाहे वो गुजरात के स्टेट गवर्नमेंट हो और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों ही मिलके यहां पे ये है, ताकि यहां पे इकोलॉजी और एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर देखा जाए, हर यहां पे छोटी-छोटी चीजों की इंपॉर्टेंस होती है, ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन किया जा सके। तो यहाँ पे ये उसके लिए बहुत ही एक शुभ संकेत है, जिसके वजह से IUCN ने जो इसको एंडेंजर्ड स्पेसिस का जो दर्जा दिया था, ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। हर 5 सालों में अगर यहाँ पे 25 से लेकर 30% तक भी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे कुछ सालों में इनकी पॉपुलेशन और भी इंक्रीज होने की जो पॉसिबिलिटी है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग जो पॉपुलेशन राइज हुई है एशियाटिक लायंस की। इन एंड आउट जितना हो सके कोशिश की हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए। तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। तो कुछ भी पॉइंट आप लोग यहां से अगर इंड्यूस करेंगे, तो आपके आंसर्स और भी मैच्योर हो जाएंगे। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोगों का सपोर्ट हम लोग को बहुत इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।